हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आप पौधे कैसे कटिंग से लगाते हैं और ये एलोवेरा का पेस्टिसाइड आप किस तरह से बना पाओगे। दोस्तों, हम आपको सभी तरह का खाद इस बनाने के लिए बताते हैं, लेकिन हमारे ये एलोवेरा जो है बहुत ही काम का चीज़ है। ये आपके जितने बॉडी पर ये काम करती है, उतना ये पौधे पर भी काम करती है। जैसे कि हमारा पौधा यदि जल रही है तो उस पर ये काम करती है, और जो पौधे हमारे मरने का कागार में है वो उसको भी ये जिंदा कर देती है। तो दोस्तों, आपको इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैसे किस तरह से बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इस एलोवेरा को। एलोवेरा को क्या करना है, इस तरह से आप कट कर ले। आपको कैसे कट करना है दोस्तों, इस तरह से आप ब्लेड की मदद से या आप चाकू की मदद से इसको आप कट कर ले। इस तरह से आप कट कर ले, और कट करने के बाद आप पौधे को यहाँ से लगाना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने इतने सारे एलोवेरा को कट कर लिया है क्योंकि इसको पेस्टिसाइड बनाकर दिखाऊंगी। और ये हमारे एलोवेरा है, इसमें आपको कटिंग लगाकर मैं दिखाऊंगी। तो कटिंग कैसे लगाना है, आपको किन चीज़ का कटिंग लगाना है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल चार कटिंग ले ली है। इस तरह से आप इनके पत्ते को यहाँ से छील दीजिए, और छीलने के बाद आप इस तरह से इसके एलोवेरे के जेल में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा है, इनका ये जेल है। जेल में आपको घुसाकर इस तरह से आपको निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके किस तरह से इसमें लस्से लटके हैं। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर खोस देना है। इस तरह से हम खोस दिए हैं, पहला कटिंग इसमें मैंने लगा दिया है। अब दूसरा कटिंग देखिए, ये हमारे यहाँ पर मिट्टी मैंने भर के रखी हूँ, इसमें भी उसी तरह से आपको लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने यहाँ खोस दे रही हूँ दोस्तों। इस तरह से मैंने दूसरा कटिंग लगा दिया है। अब हमारा तीसरा कटिंग मैंने आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, जो कि आप देख सकते हो ये हमारे डब्बे है, डब्बे में आपको लगाना है। तो इसको क्या करें दोस्तों, यहाँ कंप्लीट इस एलोवेरा में घुसा कर लगा दे। ये बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स इसको दिलाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो इसको यहाँ पर घुसा कर रखी हूँ। अब आपको इसको सबसे पहले मिट्टी को गुड़ाई कर देना है। गुड़ाई करने के बाद इसको मिट्टी के अंदर दबाना है। तो कैसे दबाना है देखिए, ये हमारे यहाँ पर मैंने एलोवेरा के साथ ही यहाँ घुसा दे रही हूँ। आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर ही घुसा दे रही हूँ, क्योंकि ये भी प्लांट्स बहुत ही अच्छी तरह से लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पर भी लगा दिया है। एक कट और मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ दोस्तों, वो भी मैं बालू में, रेत में। जैसे कि रेत हमारा बहुत ही बढ़िया काम करती है, लेकिन हम लोग रेत में प्लांट्स नहीं लगाते हैं। लेकिन आप एक प्लांट्स इसमें भी उगा कर देखो। इस तरह से हम जेल को देखिए यहाँ पर लगा दे रही हूँ, और ये हमारा रेत है। रेत में भी मैंने यहाँ चारों के चारों प्लांट्स लगा दिया है दोस्तों। अब हम आपको दिखाएंगे इसको बनाकर कि किस तरह से आपको बनाना है। तो ये हमारे जो एलोवेरा है, मैंने पहले से भी बनाकर रखी हूँ दोस्तों, लेकिन इसको आपको कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ लेना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे एलोवेरा कटी हुई है, ये हमारे एक लहसुन है, और ये हमारी दो मिर्च है जो आपको लेना है, और ये हमारी हल्दी है, वो भी हमारी कच्ची हल्दी है। कच्ची हल्दी ही आपको लेना है, और यदि कच्ची हल्दी नहीं है तो आप अपने घरों पर हल्दी का पाउडर ले सकती हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको दिखाते हैं नीम। नीम पौधे पर इसी साइड या वैसी साइड दोनों बनाने के लिए ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो इस नीम के पत्ते को हम ले लेते हैं, क्योंकि नीम का पत्ता बहुत ही बेहतरीन काम करती है पौधे के लिए और पौधे को बर्क दिलाने के लिए। क्योंकि इससे जो भी कीटाणु रहती है, जीव कीटाणु रहती है या आपके फंगिसाइड रहती है, वो आपकी भाग जाएगी। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पर ही नीम का पत्तियाँ ले रही हूँ, क्योंकि इस नीम का पत्तियाँ बहुत ही पौधे पर काम करती है। तो चलिए, इसको क्या करना है दोस्तों, हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि ये जो सारे मटेरियल्स को आप देख रहे हैं, इसको आपको मिक्सी जार में पीस लेना है। पीस के आपको पेस्ट बना लेना है। तो आपको पीस कर पेस्ट बनाने के बाद आपको बनाना है। तो चलिए, हम बनाकर आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर बनाकर पेस्ट ले आई हूँ। अब आपको इसको करना क्या है, कैसे डालना है, पौधे पर कितना डालना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम एक डब्बे ले लेते हैं, इसमें 1/2 लीटर मैंने पानी इस तरह से भर ले रही हूँ। और इसमें आपको 10 ml डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि इसमें सारे मटेरियल्स हमारे मौजूद है, तो आपको 10 ml ही डालना है। ऐसे उठाकर यहाँ डाल देना है, क्योंकि इसको 10 ml डालने से क्या होता है दोस्तों कि ये पौधे पर बहुत ही बढ़िया वर्क दिलाती है और इसका रिस्पांस आपको देखने को मिलती है। तो आपको डालना कैसे है, देखिए ये हमारे गेंदे का पौधा है, इसमें डाल दे, इसमें डाल दे, और भी इस तरह से हमारे सारे प्लांट्स पर आप डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे प्लांट्स जो देख रहे हैं, ये कितने अच्छे और बढ़िया तरह से ये काम करती है। उसके बाद फिर से आपको लेना है दोस्तों, जैसे कि मरते हुए पौधे पर आपको डालना है, तो मरते हुए पौधे पर ये हमारा कम से कम 200 लीटर पानी हुई है, उसमें मैंने 10 ml इसको भी डाल दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं मरते हुए पौधे पर डालने के लिए। तो ये देखिए मैंने जो कटिंग लगाई हूँ ये बिल्कुल मर गई है, और यहाँ पर भी हमारा प्लांट्स इस तरह से सूख गई है, ख़राब हो गई है, लेकिन इसको इसमें यहाँ हम डाल दे रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ डाल दे रहे हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया काम करेगी। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मैंने पहले से बनाकर रखी हूँ, इसमें एलोवेरा के कट कर, तो इसको भी आपको डालना है। तो कैसे डालना है देखिए आप, इस ये हमारा बिल्कुल तैयार है और इसका पानी देख सकते हैं कितनी फफूंद से भरी हुई है, तो इसमें मैं छान ले रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद दोस्तों इसमें हम आपको थोड़ा प्लेन पानी मिक्स कर दे रहे हैं, जैसे कि हमारा ये 1/2 लीटर तैयार हो गया है। ये हमारा 1/2 लीटर जब तैयार हो गया है पानी दोस्तों, तो इसमें आपको कितना करना है, 10 ml इस तरह से आप डाल दें। डालने के बाद दोस्तों आप इसको सब्जी वाले प्लांट्स पर डाल सकते हैं। तो क्या सब्जी वाले प्लांट्स है, जैसे कि हमारा यहाँ बैंगन का पौधा है, इसमें आप डाल दें। यहाँ हमारा टमाटर का प्लांट्स है, यहाँ पर आप डाल दें इस तरह से हम। उसके बाद दोस्तों ये हमारे जो बचे हुए पेस्ट हैं उसको क्या करना है, इस तरह से जैसे कि आपके पास कॉटन कपड़े हैं या सूती कपड़े हैं, जो भी फटे हुए गमछी हैं या आपके पास चादर का टुकड़ा है, उनको क्या करना है, इस तरह से इस पेस्टिसाइड को डाल देना है। और डालने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आप अपने हाथों में लेकर इसको कि इस तरह से आपको छान लेना है। तो कैसे छानना है देखिए, ये हमारा नीम का जो भी मैंने नीम है, प्याज है, हल्दी है, लहसुन है, मिर्ची है, सारा का यहाँ पेस्ट मैंने बनाकर रखी हूँ, वो इस तरह से हमारा जेल बनकर रेडी हो गई है। आपको इस तरह से गार लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जब हमारा लिक्विड तैयार है तो आपको पानी लेना है, तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर डाल लेना है, इस तरह से आप डाल ले। तो ये हमारा कम से कम 100 ml है, 1 लीटर पानी में 100 ml आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल दिया है, अब इसमें आपको पानी मिक्स करना है। तो इस तरह से आप पानी मिक्स कर ले ताकि ये प्लांट्स पर अच्छी तरह से ग्रोथ दिखे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पानी डाल ले रही हूँ, आप भी देख सकते हो, और इसी तरह आपको भी पानी डालना है। और डालने के बाद जब ये बॉटल अच्छी तरह से भर जाती है, मैंने आपको भर कर ही दिखाऊंगी, क्योंकि जब तक ये भरेगी नहीं तब तक अगर हम लिक्विड गाढ़ा डालेंगे तो पौधे मर जाएगी। तो इसमें ज़्यादा ना डालना है और ज़्यादा कम भी नहीं डालना है, बराबर की कारागार में डालना है। और ये हमारा स्प्रे वाली पंप है, जो इससे देखिए हम यहाँ पर अब इसको स्प्रे करेंगे। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों, हमारा चींटियाँ लगी हुई हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा चींटियाँ लगी हुई है, तो इस तरह से आपको स्प्रे करना होगा, क्योंकि जब तक स्प्रे नहीं करोगे तो जब तक ये चींटियाँ इस तरह से भागेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पर भी स्प्रे कर आप पूरे प्लांट्स को इस तरह से नहला दो। नहलाने से क्या होगा, सारी की सारी इसका कीटाणु जो हैं वो मर जाएंगे और भागने का कारीगर में हो जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह आप घर पे पेस्टिसाइड बनाकर डालें तो हमारा आपका प्लांट्स बच जाएगी। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताई हूँ और अच्छी तरह से बताई हूँ, जो आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों